मैं आपका गारंटर हूँ, अगर आप कर्ज नहीं चुका पाएंगी तो मुझे चुकाना होगा। लेकिन वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है, अगर ऐसा ना होता तो बैंक मैनेजर मिस्टर मेहता मुझे फोन ना करते, और मैंने उनसे कह दिया है कि कर्ज मैं चुकाऊंगा। मिस्टर दिवेचा, मैं अब भी यही कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती। लेकिन क्यों? इसमें भी आपकी कोई जिद है क्या? मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, मत बताइए, लेकिन बैंक मैनेजर मिस्टर मेहता ने कहा है कि अगर एक महीने के अंदर लोन नहीं चुकाया गया तो आपकी फार्म को जब्त कर लेंगे। मुझे पता है। फिर आपको यह भी पता होगा कि स्ट्रॉबेरी फार्म के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं है। मुझे पता है। मिसेस संपत, मैंने पहले भी आपकी मदद की है, आपने कभी इनकार नहीं किया, फिर आज क्यों, जब आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप बर्बाद हो सकती हैं। मुझे पता है। आप मुझसे रुपया इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि आप मेरे एहसान के तले दबना नहीं चाहती। शायद। पता नहीं आप मुझे इतना पराया क्यों समझती। मैं आपको पराया कैसे समझ सकती हूँ? आप मेरे पति के सबसे अच्छे दोस्त थे, मेरी बेटियाँ आपसे इतनी हिली मिली है, बड़ी इज्जत करती है आपकी। आपके लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं। क्या ये काफी नहीं? ठीक है, जो आप कह रही हैं सही है, लेकिन आपके गारंटर की हैसियत से क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस रकम का इंतजाम कैसे करेंगे? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। क्या इंतजाम कर लेंगी आप? आपके पास जो था, आपके कहने, आपका घर, आपकी फार्म, सब तो गिरवी पड़े हैं, और अब जो आपके पास है, आपकी हिम्मत, आपकी शान, आपकी इज्जत, उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। नो वैल्यू एट ऑल। आई एम सॉरी, जब किसी के इरादे को गलत समझा जाए बहुत दुख होता है। बात इतनी सी है मिस्टर दिवेचा कि ये कर्ज मेरा है और मुझे ही चुकाना चाहिए, और नहीं चुकाऊंगी। ठीक, माँ हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पता नहीं, लेकिन भरोसा रखो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। दिवेश अंकल से ना कहना जरूरी था? हाँ। क्यों माँ, क्यों? इसका जवाब मैं आज नहीं, फिर कभी दूंगी।